आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है पहला इतिहास की पुस्तक नवा अध्याय वचन 14 से 27। फिर लेवियों में से मरारी के वंश में से शमाया है, जो हशूब का पोता, अजरीकाम का पोता और हशव्याह का परपोता था, और बकबक कर हेरेश और गालाल और आसाब के वंश में से मतन्याह, जो मीका का पुत्र और जिक्री का पोता था, और ओबद्याह, जो शमायाह का पुत्र, गालाल का पोता और यदुतून का परपोता था, और बेरेक्याह, जो आसा का पुत्र और एल्काना का पोता था, जो नतोपाइयों के गांवों में रहता था। द्वारपालों में से अपने अपने भाइयों सहित शल्लूम, अक्कूब, तलमोन और अहिमान, इनमें से मुख्य तो शल्लूम था, और वह अब तक पूर्व की ओर राजा के फाटक के पास द्वारपाली करता था। लेवियों की छावनी के द्वारपाल ये ही थे, शल्लूम जो कोरे का पुत्र, एब्यासाप का पोता और कोरह का परपोता था, और उसके भाई जो उसके मूल पुरुष के घराने के अर्थात कोरही थे, वे इस काम के अधिकारी थे कि वे तंबू के द्वारपाल हो। उनके पुरखा तो यहोवा की छावनी के अधिकारी और प्रवेश द्वार के रखवाले थे। प्राचीन काल में एलियाजार का पुत्र पीनहास, जिसके संग यहोवा रहता था, वह उनका प्रधान था। मेशेलेमियाह का पुत्र जकरियाह मिलाप वाले तंबू का द्वारपाल था। ये सब जो द्वारपाल होने को चुने गए वे 212 थे। ये जिनके पुरखाओं को दाऊद और शमूएल दर्शी ने विश्वासियों की जान कर ठहराया था, वे अपने अपने गाँव में अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। अतः वे और उनकी संतान यहोवा के भवन अर्थात तंबू के भवन के फाटकों का अधिकार बारी बारी रखते थे। द्वारपाल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशा की चौकसी करते थे, और उनके भाई जो गांवों में रहते थे उनको 7-7 दिन के बाद बारी बारी से उनके संग रहने के लिए आना पड़ता था, क्योंकि चारों प्रधान द्वारपाल जो लेवीय थे वे विश्वासियों की जानकर परमेश्वर के भवन की कोठरियों और भंडारों के अधिकारी ठहराए गए थे। वे परमेश्वर के भवन के आसपास इसलिए रात बिताते थे कि उनकी रक्षा उन्हें सौंपी गई थी, और प्रतिदिन भोर को उसे खोलना उन्हीं का काम था।